गणेश भाई, वेलकम बैक टू डिस्कस निंजा। हाय निरंजन भाई, काफी महीनों के बाद मुलाकात हुई आपसे सर। एग्जीबिशन के बाद नया रूम मैं एचआरई लिया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको नया एचआरई के लिए। सबके क्वेश्चन थे कि सर आपके अंदर ब्रीडिंग स्टॉक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, तो मतलब बेबीज दिख रहे नहीं थे, कम दिख रहे थे, मतलब आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो इस टाइम पे मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, और रही बात तो बड़ा हैचरी लेने की वजह से बहुत कस्टमर का व्यूज आया, और कस्टमर भी बोल रहे थे कि हमें पार्सल साइज एंजल चाहिए, बहुत जगह से व्यू मतलब मांग रहे थे, डिमांड बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गया। और रही बात तो कि उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि छोटी जगह वैसे ना प्रोडक्शन कम हो रहा था, प्रोडक्शन कम हो रहा था और कस्टमर की डिमांड में पूरी नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं बड़ा हैचरी लेके उनकी डिमांड और उनके जितने भी कुछ भी है वो सब पूरा कर रहा हूँ। सही है, सही है। और अभी आज के टाइम पे तो इतना मेरे पास एंजल का पार्सल साइज का स्टॉक है, पार्सल साइज से भी बड़ा है, थंबनेल से भी बड़ा है, और बेबीज भी कुछ है। ओके, हाँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ। श्योर 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 सर। गणेश भाई, अभी हम लोग ने मैंने सुना है कि आपने ऑस्कर और बेटा फिश सिल्वर डॉलर वो भी चालू किए। हाँ, चालू किए। ऑस्कर तो मेरा लास्ट ब्रीड हुआ था बारिश के बाद, तो उसमें ऐसा हो गया कि सीजन एंडिंग पे हो गया वो ब्रीड। Okay. और मैंने किसी कस्टमर को है ना देने का वादा किया था। ओके, मगर एचईडी शिफ्टिंग करने का था, तो उधर टैंक कम पड़ रहे थे। ओके, तो उससे शिफ्टिंग करने के टाइम पे मैं सोचा कि ऑस्कर सेल कर दूँ। ओके, और सेल करने के टाइम पे मैंने सोचा कि एक कस्टमर मेरा बुक कर दिया, उसने 2000 रुपया भेज दिया मेरे को सवेरे सवेरे, और शाम को कह देगा तो ऑस्कर ब्रीड होगा। ऑस्कर ब्रीड हो गया, मेरे लिए एकदम नसीब का बात है। सही है। और रही बात तो कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया मैंने डील। वो कस्टमर ही बोला भाई मेरे को पसंद आया, मैंने अरे सॉरी सर वही ब्रीड हो गया, अभी बेच नहीं सकता। और फर्स्ट ब्रीड उस टाइम पे हुआ एंडिंग सीजन में। ओके ओके ओके। और डॉलर का भी अभी थोड़ा चल रहा है प्रोग्रेस, क्योंकि अभी थोड़ा क्लाइमेट ठंडी की वजह से और गर्मी की वजह से इक्वल हो रहा था, तो फीमेल्स लोड नहीं हो रही थी। ओके ओके ओके। तो वो भी अभी थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस चल रहा है। बिल्कुल। और थोड़ा सेटअप और बढ़ाना चाह रहा हूँ। सही है, क्योंकि कस्टमर की इतने रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 15000 एंजल चाहिए, 5000 एंजल चाहिए, पूरी भी करनी चाहिए। मगर ऐसा है कि एक टाइम था कि काम कम दिख रहा था और नाम ज़्यादा फैल रहा था, और इस टाइम पे काम ज़्यादा है और नाम भी उतना ही। क्योंकि एक चीज है जो मार्बल किंग है वो तो है, वही लोगों का प्यार, प्यार की वजह से आपका नाम मार्बल किंग रखा है। और रही बात तो इतना है कि सवेरे 4 बजे उठ के मैं पूरा मछली पर ध्यान दे रहा हूँ, फीडिंग, साइफन, हर एक चीज। बाकी जो मेरे दोस्त लोग भी है, ये आशीष, अरे अभिजीत, ये दो रजन आते हेल्प करते रहते। ओके, ओके। और पूरा वो एचएरी से पूरा शिफ्टिंग यहाँ तक उन्होंने किया है। ओके। और मेरे दोस्त है इमरान, वो तो आए ही नहीं आज, तो वो भी मतलब अकेले इंसान से नहीं हो सकता है सब चीज। और ये गौरव है, ये आपका सब्सक्राइबर है। अच्छा। एक्चुअली मेरा मॉम का ऑपरेशन चल रहा था कैटरेट का। ओके। तो मैं बाहर ही खाना खा रहा था चाइनीज की दुकान पे, तो बंदे ने ना मेरा वीडियो देखा। अच्छा। हाँ, वीडियो देखते देखते ना मेरे को देख रहा है और खुद वीडियो देख रहा है और खुद आवाज नहीं दिया, वो मेडिकल वाले पे बोल रहे कि आवाज दो करके। तो बोलते भाई ये आप ही हो ना वीडियो में देखे, मैंने हाँ मैं ही हूँ। बोला यार अच्छा लगा, आप इधर किधर जा रहे हो? मतलब इधर ही अभी रूम लिया हूँ, एचएरई लिया हूँ, शिफ्टिंग चल रहा है इसके लिए। और रही बात तो मेरा बचपन का दोस्त का भांजा है। ओके ओके, सही है। और आता है, कुछ नॉलेज भी देता हूँ इन लोग को, और कुछ मतलब काम भी करते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, मगर इतना है कि जो भी कोई भी आता है विदाउट नॉलेज आता नहीं मेरे। सही सही, एकदम सही बात। क्योंकि सभी लोग बोलते हैं, अभी आज के टाइम पे गए संडे को वापिस से प्रेम दत्ता करके अपना आपका वीडियो देखा उसने, मतलब मेरा जो ब्रीडिंग का फर्स्ट पार्ट देखा और मेरे को कॉल किया। ओके। तो कॉल में क्या हो गया कि एक तो मैं थक के आया था, तभी मैंने उनका कॉल उठाया, और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी किसी का कॉल नहीं उठा था, मैं सभी को रिस्पॉन्स दिया हूँ। और सभी, क्योंकि कल इतने सारे जन है कि कमेंट बहुत आते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए तो आपको बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। और मेन तो कैसा है, काफ़ी लोग स्किप करके देखते हैं। हाँ, अभी कैसा मैंने, क्योंकि आपके खुद के हमारे चैनल पे तीन ब्रीडिंग के तीन स्पेशली वीडियो है, तीन वीडियो है ब्रीडिंग के। वो भी कैसा स्टेप बाय स्टेप है। बराबर बराबर। स्टेप बाय स्टेप होने के वजह से कैसा है, सभी लोग अभी आज के टाइम पे कोई भी एंजल फिश ब्रीडिंग सीखना चाहता है तो गूगल पे अगर टाइप करेंगे या तो यूट्यूब पे टाइप करेंगे, तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वीडियो आता है डिस्कस निंजा।
गणेश एलिगेटी करके okay. और एंजल फील रीडिंग वो पहला आता है, सही है। उसके बाद बाकी सब जगह का आता है क्योंकि क्या होता है कि हिंदी में ज्यादा जन ने नहीं शेयर किया और फर्स्ट क्योंकि मैंने जो नॉलेज शेयर किया है वो मेरा प्रैक्टिकल था और मेरा प्रैक्टिकल की वजह से आज मेरा नाम भी बढ़ गया जी, और जी। आपके जो मतलब वीडियो की वजह से तो बोलते ना और ऐसे ही बढ़ते रहे जी, चल रहा। तो मैं यही सोचता हूँ कि आज जो चीज़ है और प्रोडक्शन होना चाहिए मेरे पास बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे कस्टमर और बढ़ना चाहिए आपके इसके वजह से। तो जो भी अपने मुंबई के बाहर जो भी ब्रीडर ब्रीड करते हैं तो उधर अगर अवेलेबल नहीं है तुम्हारे पास लाइव फूड तो आप ब्रीड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मुंबई महाराष्ट्र में सब लाइव फूड जैसे डेफनिया मिल जाता है और टू बी फ्लेक्स मिल जाता है, ब्लड मिल जाता है, तो हमारे पास सब है करके हम कर पा रहे हैं। अगर वही चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। अभी मेरे को कई जगह से कॉल आता है जैसे दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया, मतलब सब जगह से आता है कॉल। तो उन लोगों को मैं एक ही बोलता हूँ आपके पास लाइव अगर है तो आप ब्रीड करो, मेरे को मेरे से जितना सपोर्ट होगा मैं उतना करूँगा, मगर इतना ब्रीड होने के बाद अगर आपके पास ज़्यादा मच्छी है तो उसके सेल की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं सर मैं सेल किधर करूँ, मैं तो इतना बोलता कि आपके तक इधर छोटा सा एक शॉपकीपर रहेगा तो लोकल उसको आप जो आपका जो रेट बनता है लोकल मतलब जो कुछ भी है तो वो रेट से आप उनको दे। गणेश भाई एक डाउट था अभी, जैसे आपने बोला अगर लाइव फूड हो तो ही भीड़ करो, लेकिन ब्रांच स्ट्रीम भी एक ऑप्शन है क्या अगर बच्चों को खिला सकते? देखो ब्रांच स्ट्रीम ऑप्शन है, ब्रांच स्ट्रीम हम कितने दिन तक खिलाएंगे? ओके ओके, कांटा फूटने के बाद तो हमको तो पार्सल साइज होने के बाद आपको लाइव होने के बाद हमको टू बी फ्लेक्स को देना ही है। मगर टू बी फ्लेक्स नहीं भी देंगे तो आज के टाइम पे मार्केट में फ्लैक्स अवेलेबल है तो वो फ्लैक्स भी अपन चूरे करके जो चूरन करके डाल सकते हैं वो भी खाते हैं। मगर फ्लैक्स में कभी कभी क्या प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी उनके गले में अटक के ना प्रॉब्लम आता है, मोटिलिटी भी होना चालू होता है। तो इसके लिए बाहर वाले लोगों में एक ही बोलता हूँ कि ब्रीड करने का है तो लाइव फूड अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ब्रीड करो, क्योंकि कल के दिन मेरे वीडियो देख के आप आगे तो बढ़ जाओगे मगर आपको सबका नॉलेज मिल जाएगा, मगर स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है आपको नॉलेज, मगर जो चीज़ है ही नहीं आपके पास तो फिर आपको मेरा नॉलेज कुछ काम का नहीं। सही बोले, ऐसा है। तो गणेश भाई अभी हम एचवी कवर करना चालू करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं सर? देखो सबसे पहला तो मेरे पास एक 5 दिन के बच्चे है, 5 दिन के, हाँ 5 दिन के, ओके ओके, जो एंजल के, हाँ ये एक्चुअली 2 पेयर के बच्चे है। अच्छा, आपने मिक्स किया क्या एक साथ? एक मतलब एक ही दिन में 2 स्लेट मिले, ओके ओके ओके, 2 एंजल ब्रीड हुए तो एक ही मैंने पूरा ये कर दिया उसको, ओके मिक्स कर दिया, ओके हाँ। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पानी साफ ही हो रहा है, हाँ और ब्रांचिंग में मेरा कंटिन्यू फीड है 2 टाइम 2 से 3 टाइम, ओके ओके, मगर ज़्यादा फीड नहीं करता हूँ। क्यों? ज़्यादा फीड करने की वजह से क्या होता है, पानी है ना पूरा का पूरा है ना वाइट हो जा रहा है, ओके, क्योंकि ब्रांचिंग बच रहा है ना, हाँ बायचरिंग बच के ना मरता है, मरने के बाद पानी पूरा अमोनिया लेवल बढ़ जाता है, तो उसके लिए मैं 2 से 3 टाइम वो भी कैसा ड्रॉपर से, ड्रॉपर से फीड करता हूँ, मतलब मछली का पेट सिर्फ लाल दिखना चाहिए। सही बोले, सही बोले। अगर ज्यादा फीड करोगे वो मछली जितना चाहिए उतना ही खाएगा, बाकी तो मर रहा है, वेस्टेज जाएगा तो आपका भी नुकसान, पानी का भी क्वालिटी, पानी का भी क्वालिटी खराब। साइफोन कैसा करोगे? साइफोन के लिए आपको एयर स्टोन का पता है ना, सिर्फ उधर से सिर्फ नीचे का कचरा ही निकालना, बिल्कुल, क्योंकि कचरे के अंदर थोड़ा थोड़ा बच्चा भी आता है, ओके ओके, तो ड्रॉपर के मदद से अपन एक एक बच्चा भी उठा के अंदर टैंक के अंदर डाल सकते हैं जी, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक मेडिकल में वो ड्रॉपर मिलता है, मिलता है, 25 से 30 रुपए का आता है, मिनिमम 6 या 7 इंच का रहता है वो ड्रॉपर, में आपको दिखा दो ऐसा रहता है ड्रॉपर, ओके ओके, इससे के साथ लास्ट 7 दिन का बच्चा तक आप ड्रॉप कर सकते हो जी, और इससे बड़ा भी आता है मगर वो मेरे पास नहीं है करके मैं दिखा नहीं पाऊंगा। यहाँ पे, यहाँ पे जो आज फ्री स्विमिंग हुए, ओके ओके, डे वन फ्री स्विमिंग, हाँ डे वन फ्री स्विमिंग और फर्स्ट डे ब्रांच स्विम डाल के उनको थोड़ा एक्टिव कर लिया, ओके ओके। यहाँ पे सर, यहाँ पे 10 दिन का बच्चा है, 10 दिन का एंजल ही है, हाँ ओके, एंजल ही पूरा, क्योंकि आज अभी इतना स्टॉक है एंजल का, हाँ कि मैं बोला कि भाई एक वीडियो तो होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज काम दिख रहा है, हाँ लोगों तक काम पहुँच रहा है जी जी, ये मेरे, हाँ ये मेरे 15 दिन के बच्चे हैं, 15 दिन, इसमें मार्बल और कौन से ही है? मार्बल और वाइट एंजल है, वाइट मतलब गोल्डन है, गोल्डन रेड बोलते हैं ना, हाँ वो एंजल है, ये आपके यहाँ पे ब्रीड हुए हैं सब, अभी एंजल बोलेगा ना तो मेरे इधर का ही चीज, मार्बल किंग, मार्बल किंग, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये एंजल है ना, हाँ
ये मेरा खुद का ब्रूट प्ले में रखा हूँ। अच्छा, अगले साल के लिए। अच्छा, ये 22 तक रेडी हो जाएगा ना? हाँ, ये 22 तक रेडी हो जाएगा ब्रूट स्टॉक ये सब। सही, क्वालिटी ऐसा है कि उसका फिन टेल प्रॉपर पूरा शेप है, और इसके लिए साथ क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ मैं मार्बल में। और अभी आप मार्केट में जाओगे तो उसका कई कई टेल के ऊपर फंगस लगेला रहता है। हाँ। टेल रूट हुआ रहता है या फिन रूट हुआ रहता है। हाँ। तो वो कस्टमर कोई भी अगर जाता है उधर, हाँ। वो मछली को कस्टमर को कुछ मालूम नहीं, मगर दुकान वाले को क्या है, हाँ। माल बेचने से मतलब। अगर आपने इधर ऐसा क्वालिटी मिल रहा है कि लोग पहला फिन देख रहे हैं कि बाबा हाँ ये फिन कैसा है, टेल कैसा है, साइज कैसा है, बॉडी कैसा है उसका, ये सब देख के ना ले रहे हैं। और मेन तो इतने सारे हैं जो मेरे जितने भी है, हाँ। मतलब जो हैचरी जो खोले जो, हाँ। रेजर है, हाँ। उन लोग सब जन है ना, अभी इतना बुक हो गया मेरे पास इंजल ना, हाँ। मैं आ गया ऑर्डर ले रहा नहीं जल्दी। ओके ओके ओके, क्योंकि अभी तो मैंने बोला 8-10 हज़ार इंजल है मेरे पास। अच्छा अच्छा, ये सब टचे फुल। सही है सही है, क्योंकि काम बेचता हो गया ना। जी जी, ठंडी में तो कम ब्रीड होता है। हाँ। जिधर 10 दिन में अंडा लगाती है ना, हाँ। उधर 20 दिन जाता है जी, या 25 दिन जाता है। मगर जैसा ठंडी कम हो के और गर्मी जरा चालू होएगा ना, हाँ। तो 10 दिन 8 दिन ऐसा अंडा लगाते जाता है। ओके। उसमें सिर्फ कैसा क्लाइमेट के ऊपर इश्यू रहता है। जी जी जी, क्लाइमेट ही मेन ये है। और बारिश में भी ऐसे ही रहता, ठंडी का जैसा कम ज़्यादा होते रहता है। ये जो एंजल है ना, हाँ। अभी तो फिलहाल उसका ट्यूब निकला है, इसलिए वो प्लेट के ऊपर ज़्यादा आ रही है। मगर इसको है ना, हाँ। कई बार कई ब्रीडर लोग उसको रैबिट एंजल बोलते हैं, क्योंकि फुल वाइट है। ओके। इसके रैबिट बोलते हैं। ओके, क्योंकि ओके। ये रेड आइस के साथ कन्वर्ट हुआ, उसके अंदर जो ब्लैक आइस निकलता है, थो बैक निकलता है उसमें से। मगर ये कभी कभी बोलते हैं ना, ब्रीड होता है रेड आइस, कभी कभी नहीं होता। अगर ब्रीड भी हो गया ना, तो उसके बच्चे कम ही बचते हैं, अल्बाइनो जैसा। अल्बाइनो जैसा, क्योंकि उनको रेड इंपोचर लगता है, रेड इंपोचर तो जल्दी मिलता नहीं है। जी जी, और कोई बनाता भी नहीं है जी। तो इसके लिए ये गणेश भाई, ये अपने सब ब्रीडिंग पेयर है। ओके। तो मैंने टोटल इस टाइम पे 10 ही पेयर लगाया हूँ। हाँ। 5 पेयर में मेरे इधर इतना सारा हो गया है, इसलिए मेरा बोला कम करने का। जी जी, क्योंकि कंटिन्यू 10-10 दिन में अंडा मिल रहा है, तो ज़्यादा रख के मतलब नहीं है। जी जी, क्योंकि वेस्ट होता है। ये भी मार्बल। हाँ, ये भी मार्बल, आप इसका देख सकते हो मेल, देखो कैसा है। हाँ। एकदम बॉडी पे शाइनिंग है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल जी, पूरा बॉडी पे शाइनिंग, एकदम फिन्स इतने पूरा एकदम खोला है और स्ट्रेट फिन्स जी। कई मछली को पहचानना है तो उसके ऊपर फिन्स के फिन्स और नीचे के फिन्स वो पूरा देख के पहचानना, क्योंकि उसके फिन्स ऐसा ट्रायंगल शेप में रहते हैं। ओके, मतलब फुल ट्रायंगल, मतलब दिखना चाहिए कि मछली ट्रायंगल शेप में। अभी आपको मैं एक मेल दिखाता हूँ, देखो ये मेल पूरा साइन पे, हाँ। उसके ऊपर के टेल्स पे है ना, हाँ। ब्लू कलर का शेडिंग है देखो। जी जी जी, और बॉडी पे थोड़ा चमकदार है ब्लू कलर का। हाँ। तो एक क्वालिटी है बराबर, क्योंकि अभी मैं कभी मतलब मेरा एक टाइम का लॉस हो गया था, और मैंने क्या किया था, गलती बहुत सबसे बड़ी की थी कि मेरे पास मछली थी, हाँ। किसी कस्टमर को मुझे 1000 पर पीस देने का था, हाँ। और मेरे पास 970 पीस थी और बाकी सब छोटे थे। 30 पीस भाग से ले। हाँ, 30 पीस के लिए मैंने पूरा पूरा मछली को क्रॉस कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन, वाटर का पीएच लेवल पूरा चेंज हो गया था। ओके ओके, क्योंकि बाहर का जो मछली जो आता है ना, हाँ। तो उसका वाटर का लेवल अपने को पता नहीं रहता बराबर, क्योंकि उसके अंदर वो सांगर कैसे भी नेटिंग मार के देगा। हाँ। नेटिंग मारने की वजह से क्या होता है, मछली स्ट्रेस में आ जाती है। हाँ। स्ट्रेस में आएगी, डर गई गिर गई, तो फिर वो मछली को अगर अपन उनके साथ छोड़ेंगे, हाँ। मच्छी के साथ छोड़ेंगे, तो आज एक टाके में वायरस लगेगा ना, हाँ। तो कल के दिन दूसरे भी सब टाके के अंदर रहेगा, क्योंकि मछली को सबसे पहले ट्रीटमेंट देना जरूरी रहता है। जी, जी, जी। कि जितना अपन ट्रीटमेंट देंगे ना, हाँ। तो उतना बेस्ट है। जी, अभी जैसा भी वो एक टाइम गलती किया था, उसके बाद दोबारा कभी गलती नहीं की। मैंने कभी बाहर से मछली नहीं लिया, हाँ। खुद का लेके आता हूँ, एक पेयर लेके आऊंगा तो एक पेयर का जो रनिंग चलता है ना, हाँ। वो रनिंग चलाते रहते हो। जी जी, एक पेयर से जो स्टार्ट हुआ वो लाइफ टाइम उसे चलाना चाहिए। जी जी।